Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Rebecca Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं फाइनली जल्दी उठ गई हूँ और आज हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइन अप की हुई हैं, तो इस व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या सीन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। फुल व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो जल्दी से तैयार होते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और फिर हम चलते हैं। यस, तो माय आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन गाइस। बस लिपस्टिक रहती है, फिर उसके बाद बाल रहते हैं। आधा घंटा पूरा मुझे मेकअप में लगा, इतनी सुस्ती से मेकअप कर रही थी। अब बारी है बालों की, तो जल्दी से हम बाल बनाते हैं, फिर ड्रेस चेंज करते हैं। सो माय हेयर्स आर डन गाइस। आज आपकी बहन ने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में अपने बाल कर्ल्स किए हैं। हालांकि मुझे अपने बाल कर्ल्स करने में मुझे 1 घंटा लगता है, लेकिन आज मैंने जल्दी कर लिया। बहुत प्रिटी लग रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। ड्रेस चेंज करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस। सो गाइज, दिस इज द ब्यूटीफुल ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग टुडे। यू गाइज कैन सी, बहुत ही खूबसूरत सा घर आ रहा है। अभी तो फुल नहीं नजर आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आगे की नजर आ जाएगा। सीन ऐसा है, प्लीज बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गले में कुछ पहनना चाहिए या कानों में। गले में तो खैर इस तरह का दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है, सोच रही हूँ कानों में कोई अच्छी सी प्यारी सी नाजुक सी झुमकियाँ ना दूँ। देखते हैं झुमकियाँ हमारे पास हैं क्या नहीं। वैसे तो बहुत सारी है यहाँ पर, मेरी सारी ज्वेलरी, वैसे तो सारी ड्रॉज़रों में है मेरी ज्वेलरी, लेकिन ये मुझे प्यारे लग रहे हैं। ऊपर ही रखे हुए हैं, लगता है मामा ने रखे निकाल के। ये प्यारे लग रहे हैं। अभी पहन के देखते हैं कैसे लग रही हैं। नाइस, सेट फॉर टुडे गाइस। अभी हम लोग निकलने लगे हैं, अच्छी खासी धूप और गर्मी है बाहर। मुझे तो ये हैरत हो रही है, अब तक सर्दियां आई क्यों नहीं है यार। कब से हम लोग सर्दियों का इंतज़ार कर, और जब इंतज़ार कर रहे हो तो जब सर्दियाँ आती नहीं है, तो ये सड़ी हुई गर्मी है। सेट भाई, ओहो इसे बढ़ा दो, बहुत गर्मी है। सो गाइज, वी आर ऑन द वे फॉर शूट। बेसिकली मुझे शूट पे जाना था, इसलिए मैं इतना तैयार हुई हूँ। पहले ही आप लोग समझ गए होंगे मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार मैं बता दूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया है। तो भैया इज़ गोइंग विद मी इतने टाइम बाद, ऑलवेज। हाँ भैया इज ऑलवेज विद मी। एनी वेज, अभी हम लोग ऑन द वे हैं, यू नो द लोकेशन। कितना डिस्टेंस है यहाँ से? 30 मिनट्स में हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। कब से आई वॉज प्लानिंग फॉर दिस शूट, मतलब समझें कि इट्स बीन अ मंथ। मैं कब से प्लान कर रही थी शूट की, हो जाए इस तरह की लुक हो जाए, बट हो ही नहीं पा रहा था। बट आज फाइनली आपकी बहन को टाइम मिल गया है, तो आज अच्छा सा प्यारा सा शूट हो जाएगा। वी आर एट द लोकेशन। पीछे सारी बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है, यहाँ भी लोकेशन है। अब देखते हैं हम कहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेंगे। पहले हम पिक्चर्स वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। यहाँ मेरा शूट स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही प्यारी लोकेशन पर। जस्ट लुक एट माई करारा गाइस, हाउ प्रिटी, हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस। मतलब मुझे इतना पसंद आया, उसका स्टाइल भी इतना प्यारा, और मैं कब से चाह रही थी कि मुझे मिल जाए। तो गाइस, यहाँ लोकेशन पे इतना प्यारा ये फ्रूट का दरख्त नज़र आया है, जिस पे आई डोंट नो क्या लगा हुआ है। लेट मी शो यू गाइस, व्हिच फ्रूट इज दिस, कौन सा फ्रूट है ये? पता नहीं, किसी को पता है तो बताए। हाँ, अगर किसी को पता है तो बताए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बाकी बहुत प्रिटी लग रहे हैं। डन विद द शूट, इट्स टू हॉट। ऊपर से बस आपने कुछ ना खाया हुआ ना पिया हुआ, तो आपको बहुत ज्यादा फिर गर्मी भी लगती है और भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। गर्मी भी लगती है और फिर पाकिस्तान भी हार रहा हो तो फिर फायदा। पाकिस्तान बहुत डिसअपॉइंट किया है, एंड आई एम नॉट द ओनली वन जो ये बात कह रहा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया सबको। हमें लगता था कि शायद जीत जाएगा इस दफ़ा, वर्ल्ड कप हमारा है, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे तो चांसेस नहीं लगे, बट आई होप सो कि अभी भी हम लोग यू नो कम बैक करें और जीतें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी तो हमेशा से यही दुआ है, तो आप लोग भी दुआ करो, क्या पता जीत जाए हमारी दुआओं से ही इंशाल्लाह। सो अब हम लोग शूट से डन हो गए, टेंशन दूर हो चुकी है, तो अब हम कुछ खा सकते हैं। भैया क्या खिला रहे हैं? ये देखो मैच देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए रखा था इन्होंने मोबाइल, ही देख सकते हैं आप। उफ, लड़कों का भी ना कुछ नहीं हो सकता, पता है हार रहे, लेकिन फिर भी हार रहे ना, फिर कोई चांसेस है, अल्लाह मालिक है, क्रिकेट अल्लाह मालिक है, ये तो है।
देखते हैं, खैर डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। बट अभी कुछ खिलाओ यार, प्यास लग रही है भैया। क्या खाना है, क्या पीना है? अभी तो पानी भी मिल जाएगा तो मैं पी लूंगी। पानी तो मिल जाएगा, खाना क्या चाहिए? कुछ ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिला दो। अब देखते हैं हम लोग क्या खाते हैं गाइस। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डन विद द लंच गाइस। बट सीन ऐसा हुआ है कि मेरे दोनों फ़ोन बंद हो गए, चार्जिंग ख़त्म हो गई, बड़े वाले फ़ोन में भी, छोटे वाले फ़ोन में भी। और खुरैम के बड़े फ़ोन से मैं ये पार्ट शूट कर रही हूँ, और खुरैम के बड़े फ़ोन में भी सिर्फ 5% चार्जिंग है। वो मैप देखता है, वो मैच देख रहा था, उसकी वजह से पूरी चार्जिंग उसकी भी ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा यार भैया मुझे लोगों को अपडेट देनी है, तो अपना थोड़ी देर फ़ोन दे दो। तो खुरैम ने भी मुझे फ़ोन दिया, वो बैंक तक गया, बस आ रहा है, फिर उसके बाद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। घर जाके मुझे लाइव भी आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लाइव कैसे आऊँगी, चार्जिंग तो है ही नहीं फ़ोन में। बट लेट्स सी, कुछ ना कुछ करते हैं, बट मैं लाइव आऊँगी। Just back home, guys. Oh, assalamualaikum. घर आई हूँ और पूरे घर की सफाई हुई भी आज पहली दफा इतनी जल्दी, वरना लेट ही होती है सफाई। देखिए मैं कितने प्यारे कर्स करके गई, अभी कैसे होगा, बट नॉट बैड, अच्छे लगे। जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं, फिर उसके बाद मैं आऊँगी लाइव। सो गाइस, मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है लाइव आने के लिए, और मैंने 6 बजे का टाइमर लगाया था कि 6 बजे लाइव आऊँगी, बट अजान, ऑफ कोर्स अजान का टाइम होता है, तो अजान हुई है अभी, तो फिर उसके बाद अब मैं जाके लाइव आऊँगी। मेकअप तो ये भी रहने दिया है मैंने। यहाँ पे हमारे उजा साहब सो रहे हैं, बेचारा मेरा गुड्डा फुल शाके शोल्डर। छोजा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग छोटे नवाब। हेलो माही चुन्नी, माहिर हसन खान अभी सो के उठे, इसलिए सुस्त हो रहे, वरना ही बहुत एक्टिव होता है, आप लोगों को ये बात पता है। कौन सा गेम खेल रहे हैं? वाह, ये दिमाग वाला गेम है। मैंने 2 वर्ड बना लिए। वाह नाइस, बाकी भी बनाओ। माही ने बहुत सारी लेवल्स पार कर लिए हैं, आप लोग भी बच्चों को यही गेम खिलवाया करें, ताकि बच्चों की नॉलेज बढ़े और एक्टिव हो दिमाग। सो आई एम लाइव गाइज, मैंने सोचा कि ये वाला भी एक पार्ट होना चाहिए। यहाँ पे सबके कमेंट्स आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सब ब्लर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई है, सब ने मुझसे सवाल किए हुए हैं, तो मैं उन सबका जवाब दूंगी इस लाइव सेशन में। अभी लाइव को एंजॉय करते, फिर उसके बाद हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो डन विद द लाइव सेशन गाइज। आई डोंट नो क्या हुआ अचानक कि लाइव खुद ब खुद एंड हो गई, और इतनी मुश्किल से अभी अपलोड हुई। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं ऐसा ना हो कि लाइव ही गायब हो जाए, बट थैंक गॉड के अपलोड हो गई है। बट आई एम सो सॉरी, मैं आप लोग को बाय नहीं कह सकती, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी टाइम पूरा होने वाला था। बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, हमें जाना है एक दावत में, तो उसके लिए आई एम रेडी। लेट्स सी मम्मा रेडी हुई क्या। मम्मा तैयार हो गई? जी मैं तैयार। मम्मा का मेकअप डन हो चुका है गाइज, बट मम्मा ने ड्रेस नहीं पहना है। लेकिन मम्मा का ड्रेस कैसा है, बिल्कुल मेरी तरह ना? सेम। मम्मा और मेरा सेम ड्रेस है, मम्मा और मैंने सेम कुर्ती ली थी, मम्मा और मैं सेम ड्रेस पहन के जाएंगे दावत में। मम्मा दावत वाली जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वो पूछ रही हैं कब तक आएंगे। हम आएंगे 8:30 पे निकलेंगे। 8:30 तक निकलेंगे, तो हम पहुँचेंगे आधे घंटे में, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है डन, दावत वाली बाजी को मैं मैसेज कर देती हूँ। सो गाइस, आपका भाई जो सो चुका है, गुड मॉर्निंग गाइस। और जो है आप ही भी इतना सोई कि आंखें लाल हो चुकी हैं, लाल टमाटर। मेरी गलती से आँख लग गई, वो भी लेंस में, और लेंस में नहीं सोना चाहिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। वे ओवर 2 घंटे सोई आप ही लेंस में। 2 घंटे तो 20 मिनट मुश्किल से अपने पास से। अब बंदा जब सोता है तो 20 मिनट सोई होगी ना। हां इतनी देर हुई जी। हां मम्मा वही सेम कुर्ती विनिंग। और ये गिफ्ट से हम जा रहे हैं, कोई गिफ्ट लेने हैं, गिफ्ट पेपर लिया है, लेने गया है, पता नहीं परसों से मैं कह रही हूँ गिफ्ट पेपर अब वो लेने गए जब हमें जाना है। आ गया शायद, भैया को उठाओ जाके, पहले खुद तोड़ जाऊंगा। मैम गिफ्ट पेपर, फाइनली गिफ्ट पेपर लाया, एक लेके आओ स्कॉच टेप, जल्दी से बढ़िया स्कॉच टेप लेके। बेचारा बाहर से लेके भी आया गिफ्ट पेपर और स्कॉच टेप भी ला रहा है, और ये नवाबों की तरह बैठा हुआ है, फट ना जाए, मुझे इसका डर है। जल्दी से फटाफट से हम पैक करते हैं और फिर निकलते हैं। गाइस मैंने एक चीज नोट करी आज कि मम्मा और आपी ने ट्यूनिंग करी, वो तो ठीक है, बट ये उजैम ने क्यों की आप लोगों की ट्यूनिंग? मुझे ये समझ नहीं आया। लेडीज कपड़े पहन लिए, उजैम ना दे सकते हैं? कोई नहीं, मम्मा का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, मम्मा ने सोचा उजैम में कुर्ता पहना दूं। ये फालतू उसको छेड़ा।
और यहाँ पे पैकिंग हो रही है। आई एम जस्ट पुटिंग ऑफ माई लेंसेज गाइस बिकॉज आई कांट टॉलरेट द पेन। और वैसे भी इतने घंटे लेंस नहीं लगाने चाहिए। लुक हु इज टॉकिंग, व्हाट हैपेंड? टू हैवी। ओ गॉड, इट्स टू हैवी, बट यू हैव टू होल्ड इट मानी। हाय गाइस। हाय गाइस। हाय फ्रॉम माहिर गाइस, लेट्स गो, वी आर गोइंग। मैं आ गई थी मामू के घर लेकिन मैं भूल ही गई थी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और इन मोहतरमा को गिफ्ट देना था, इनकी बर्थडे गुजरी है। कितने साल के हो गए? एक्चुअली हम लोग सेम एज के हैं लेकिन मंथ डिफरेंट है। मैं एक महीना से इससे बड़ी हूँ और ये एक महीना मुझसे छोटी है। खैर बहुत लंबी हो गई है, जल्दी जाके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा प्यार बता दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तक ले लहाफे।